आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। जब वो मेरी मांग में सिंदूर भर रहा था तो बहुत खुश थी। मैं सोच रही थी कि इस पवित्र लकीर से मैं सुहागन बन जाऊंगी। मुझे क्या पता था कि वो इस सिंदूर से मेरे माथे पे मेरी कीमत लिख रहा है। बस बस यार को सांप कहती हो और उससे दूर भी नहीं भागती तुम राधा। क्यों डसते देती हो अपने आप को बार बार? हाँ भूल क्यों नहीं जाती? और मेरे साथ साथ फेरे लेते समय क्या सोच रहा होगा बड़ी भाभी? मैं तो हर फेरे पर जन्म जन्म की कस्में खाती गई और वो मेरे जिस्म को भपूरने के लिए ग्राहकों की गिनती कर रहा होगा ना राधा। जब वो मेरी मांग में सिंदूर भर रहा था तो बहुत खुश थी। मैं सोच रही थी कि इस पवित्र लकीर से मैं सुहागन बन जाऊंगी। मुझे क्या पता था वो इस सिंदूर से मेरे माथे पे मेरी कीमत लिख रहा है। बस बस कॉफी जूस। अरे बिना सुहाना, ये हमारा घर नहीं है, अमरोहा में है हम। चलो चलो उठो, चलो चलो उठो, चलो सुहाना। हाँ। जल्दी करो, तुम्हें तैयार होना है और अन्नू को भी तो तैयार करना है। अन्नू कौन? जिसकी शादी में आई उसी का नाम भूल गई। गुड मॉर्निंग। ओ या, पर मुझे तैयार होने के लिए 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे? हाँ, मुझे तो ब्रश करने के लिए 15 मिनट्स लगते हैं। सुहाना, ब्रश करने में क्या है, 2-3 हाथ ऐसे वैसे मार ले हो गया। नो रजनी दीदी, हमें हमारे दांतों की केयर करनी चाहिए वरना दांतों में सड़न हो जाती है। ठीक है, चलो 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 चलो। मैं स्लिपर्स नहीं हूँ, मैं आता हूँ। चलो चलो बना, मैं लगा हूँ। अरे किसी ने पेचकस देखा है? मिल नहीं रहा है। स्क्रू ड्राइवर? हाँ हाँ, स्क्रू ड्राइवर। पर पापा, आप स्क्रू ड्राइवर का क्या करेंगे? बेटा मेरा रिकॉर्डर नहीं चल रहा है, उसे खोल के देखना चाहता हूँ। ओ गॉड, नए घर में आ गए, सारा सामान नया ले लिया, लेकिन आपने अपना वो घटिया रिकॉर्डर नहीं छोड़ा। हाँ पापा, आप रहने दीजिए, मैं किसी मैकेनिक को बुला लूंगी। नया क्यों नहीं ले लेते? टीवी को थप्पड़ मार के चलाने वाले लोग जब भी सोचेंगे छोटा ही सोचेंगे। और तो इसके साथ रह रह के पता नहीं तुम्हारी सोच भी छोटी हो गई है। अरे मेरा पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, रिकॉर्डर मेरा है, एक मामूली सी प्रॉब्लम है, बस खोल के साफ करना है। डैड, वाह सामने रखा है। थैंक यू बेटा। रौनक,
मॉम, बेकार की बहस करके क्या फायदा? रौनक साहब आज रिपेयरिंग की सपोर्ट में है। रौनक, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मॉम डैड का झगड़ा तुम्हारी ओर शिफ्ट हो रहा था, इसीलिए मैंने। नहीं नहीं, आज का दिन ही कुछ अजीब सा है, क्योंकि आज मेरे पति ने स्क्रू ड्राइवर वहां रखा है, यक कहने के बजाय अपने डैड से कहा काम ली वो भी कि डैड वहां रखा है। और तुम्हारे प्लेट में फोक और नाइफ भी नहीं है, तुमने कुछ नहीं कहा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आज मेरे पंचुल हस्बैंड को ऑफिस जाने की जल्दी भी नहीं है। Yeah, I'm getting late. आज घर कितना सुना सुना सा लग रहा है। नहीं सुहाना, नहीं तो जैसे घर में जा नहीं है। ना भैया ना, मुझे तो आज ना ये सन्नाटा अच्छा लग रहा है, कसम से। सुहाना होती है ना तो बस। आजकल तो मेरे हिसाब से सुहाना मीठी से भी ज्यादा हंगामा मचा के रखती है। माँ, बाबूजी के सामने सुहाना के खिलाफ जम छिड़ जाएगी। देख देख जरा इसे, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है सुहाना के बारे में। इसे तो आज तक अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं हुई। तो कौन सा गलत कह रही हूँ मैं? कोई ना कोई फितूर सोचती ही रहती है सुहाना। अरे कितना भी डांट लो उसे, कुत्ते की दुम है, कुत्ते की दुम। कुत्ते की दुम? क्या 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 कह रही हो तुम? क्या सुहाना कुत्ते की दुम? देख देख गायत्री, तुम मेरे सबर का इम्तिहान मत लो। बाऊ जी, आप भी ना। अरे माँ ये सब आपको गुस्सा दिलाने के लिए कहती हैं। आप नहीं जानते कि वो खुद कितना प्यार करती है सुहाना से। वैसे कुछ भी कहो, सुहाना चाहे कुछ भी कर लेना, उसे मन ही मन प्यार करने को जी चाहता है। ये हुई ना बात। सुहाना के बारे में कभी कुछ गलत मत कहा करो मेरे सामने। मुझे भैया ये खत लिखने दो पहले। आज तो ना ये कुछ पेन पता नहीं क्या गट। ये देख राधा, देख कोई दूसरा पेन है क्या? ये तो चल ही नहीं रहा है। पता नहीं आजकल के पेन भी नहीं। ये देख इंक है लेकिन पर। किसे लिख रहे हैं आप चिट्ठी? अरे और किसे लिखेंगे, एक ही तो है। अब तो उसकी छुट्टियां भी खत्म हो गई होंगी ना, और हॉस्टल में वापस आ गया होगा। एक खत नहीं आया जब से गया है। किसको लिखेगा वो? कितने सालों के बाद घर आया था, किसने प्यार दिया उसे? और ये उसकी मां होकर भी उससे दूर भागती रही, और इस घर का हर फर्द सिर्फ इसके लिहाज में दीपक से अलग ही रहा हर दम। क्या मिला उसे घर आकर? उसने आज से पहले ऐसा तो नहीं किया, कम से कम एक चिट्ठी तो लिख सकता था। राधा, हर बार तुम्हारी नफरत की आग में झुलस कर भी वो चुप रहता था, आज भी चुप है। नया क्या है राधा? पर इस बार उसके दिल में दर्द है। समझती क्यों नहीं राधा?
अब वो बच्चा नहीं रहा। अब सिर्फ उसका दिल ही नहीं दुखता है, उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है। अब मेरा आत्मसम्मान? रुला दिया ना उसे। भाई, इस लड़की का दर्द भी कुछ कम है क्या? अब दीपक बड़ा हो गया है, उसे समझना चाहिए। तुम लिख दो खत में उसे, और ये भी लिख दो कि नानी बहुत नाराज है तुमसे। क्या करूं गायत्री, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा किसका दुख कम है और किसका ज्यादा। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।